हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस सेट 4.1 देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेयर दी हुई नंबर्स की इस पेयर में से हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशो फाइंड आउट करना है फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से क्या रेशो है और वो भी हमें रिड्यूस फॉर्म में राइट डाउन करना है देखो सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सेवनटी टू कॉमा सिक्सटी ये जो पेयर दी हुई है नंबर की तो इसमें ये जो फर्स्ट नंबर है सेवनटी टू इसका सेकंड नंबर से क्या रेशियो है वो भी रिड्यूस फॉर्म में क्या रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है इसलिए फर्स्ट नंबर क्या है सेवनटी टू इसलिए राइट डाउन करेंगे फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर यानी फर्स्ट नंबर का ही हमें सेकंड नंबर से रेशियो फाइंड आउट करना है इसलिए राइट डाउन किया सेवनटी टू 60 अब ये जो सेवनटी टू नंबर है और सिक्सटी जो नंबर है दोनों नंबर कौन सा ऐसा टेबल है कि दोनों नंबर उस टेबल में आ रहे हैं जैसे कि ट्वेल्व के टेबल में आ रहे 12 ट्वेल्व सिक्सा क्या हो रहे सेवनटी टू और ट्वेल्व फाइव हो रहे सिक्सटी यहाँ पे ट्वेल्व सिक्सा सेवनटी टू और ट्वेल्व फाइजा हो रहे सिक्सटी इक्वल टू 12, 12 कैंसल हो गया क्या बचा 6.5 इसलिए यहाँ पे राइट डाउन क्या 6.5 रिस को ही राइट डाउन करते कर सकते हैं रे, रेशो हम 6 रेस तू 5 यानी फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से जो रिड्यूस फॉर्म में जो रेशो है वो क्या है 6 इस तू 5 सेकंड 38.57 यहाँ पे भी पेयर दी हुई है नंबर की फर्स्ट नंबर है थर्टी और सेकंड नंबर है फिफ्टी सेवन इसलिए फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रेशियो फाइंड आउट करना है इसलिए थर्टी एट अपॉन फिफ्टी सेवन इसके बाद ये जो थर्टी एट और फिफ्टी सेवन जो नंबर है दोनों नंबर कौन से टेबल में आ रहे हैं नाइनटीन के इसलिए राइट डाउन करेंगे नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय टू और नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री जा फिफ्टी सेवन और नाइनटीन टू जा थर्टी एट इक्वल टू नाइनटीन नाइनटीन कैंसल हो गए क्या रिमाइंडर बचा टू अपॉन थ्री और इसको ही रिड्यूस फॉर्म में रेशो हम राइट डाउन कर सकते हैं टू टू थ्री ये बन गया उसका रेशो नेक्स्ट फिफ्टी टू कॉमा सेवनटी एट यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर है फिफ्टी टू और सेकंड नंबर है सेवनटी एट अभी ये जो फिफ्टी टू और सेवनटी एट जो दोनों नंबर है वो कौन से ऐसा टेबल है कि दोनों नंबर वो सेम टेबल में आ रहे हैं तो थर्टीन के टेबल में आता है फिफ्टी टू और सेवनटी एट इसलिए राइट डाउन करेंगे पहले रिश्वत राइट डाउन करना है फिफ्टी टू अपॉन सेवनटी एट फर्स्ट नंबर था फिफ्टी टू सेकंड नंबर था सेवनटी एट अभी इसको ही राइट डाउन करेंगे थर्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन थर्टीन मल्टीप्लाई बाय सिक्स थर्टीन सिक्स अभी थर्टीन थर्टीन सेम नंबर था वो कैंसिल हो गया क्या बचा अभी फोर अपॉन सिक्स लेकिन ये जो फोर अपॉन सिक्स है वो रिड्यूस फॉर्म में नहीं है इसलिए इसको रिड्यूस फॉर्म में कैसे राइट डाउन कर सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाई टू तो फोर और सिक्स को कैसे राइट डाउन करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय थ्री टू टू कैंसिल हो गए तो बचा अभी टू अपॉन थ्री और इसको ही राइट डाउन कर सकते हैं टू टू थ्री यानी रिड्यूस फॉर्म ने इस 52.78 जो नंबर था इसका रिड्यूस फॉर्म बन गया टू अपॉइंट और इसको ही राइट डाउन कर सकते हैं टू टू थ्री क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी है सेवन हंड्रेड और सेकंड क्वांटिटी है थ्री दोनों का यूनिट जो है रूपीज दोनों का यूनिट सेम है तो फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशियो फाइंड आउट करना है उसका रिड्यूस फॉर्म हमें राइट डाउन करना है इसलिए फर्स्ट क्वांटिटी राइट डाउन करेंगे अपॉन सेकंड क्वांटिटी थ्री हंड्रेड दोनों का यूनिट क्या था सेम था यानी रूपीज रूपीज अभी रूपीज रूपीज कैंसल हो गया अभी क्या बचा अभी सेवन हंड्रेड अपॉन थ्री हंड्रेड एंड एट अभी इसको ही कैसे राइट डाउन कर सकते हम सेवन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अपॉन सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फोर इस फॉर्म में हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेवन सेवन की जो टर्म है वो कैंसल हो गई अभी क्या बचा हंड्रेड अपॉन फोर्टी फोर लेकिन ये शॉर्टेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म नहीं है इसलिए इस हंड्रेड अपॉन फोर्टी फोर को ही कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इक्वल टू फोर मल्टीप्लाय बाय ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर फोर ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड फोर इंटू इलेवन क्या तो फोर्टी फोर 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 कैंसल बन गया तो अभी क्या बचा ट्वेंटी फाइव अपॉन इलेवन और इसको ही हम राइट डाउन कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव रेस्ट टू इलेवन ट्वेंटी फाइव टू इलेवन ये बन गया इसका रिड्यूस फॉर्म सेकंड एग्जांपल देखते हैं फोर्टीन रुपीज कॉम ट्वेल्व रुपीज फोर्टी पैसे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी रुपीज है और यहाँ पे इसका जो यूनिट है रुपीज और पैसे में डिवाइडेड है इसलिए ये जो फर्स्ट उसकी जो यूनिट है इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी फोर्टीन रूपीज के कितने पैसे हो जाएंगे फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इक्वल टू वन फोर जीरो पैसे और जो सेकंड सेकंड जो क्वांटिटी है उसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं ट्वेल्व रुपीज था ट्वेल्व तो रुपीज के ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इक्वल टू वन टू जीरो जीरो पैसे प्लस ये फोर्टी पैसे भी दिए थे प्लस फोर्टी पैसे इक्वल टू वन टू फोर जीरो पैसे अभी यहाँ पे वन फोर जीरो जीरो फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी बन गई वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी पैसे दोनों का यूनिट जो है सेम है पैसे है यहाँ पे भी पैसे है दोनों का जो यूनिट है सेम है इसलिए इसको राइट डाउन करेंगे हम फर्स्ट क्वांटिटी है वन फोर जीरो जीरो अपॉन सेकंड क्वांटिटी है वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी दोनों का यूनिट सेम है पैसे बन गए दोनों के दोनों अभी यहाँ पे वन जीरो वन जीरो कैंसल अभी यहाँ पे बचा वन फोर्टी और नीचे बना बचा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर इसलिए फोर मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव क्या तो फोर इंटू थर्टी फाइव बन जाएंगे वन फोर्टी और यहाँ पे फोर मल्टीप्लाय बाय थर्टी वन किया तो वन ट्वेंटी फोर 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 की जो टर्म है सेम टर्म कैंसल हो गई तो अभी क्या जो टर्म बची है थर्टी फाइव अपॉन थर्टी वन इक्वल टू थर्टी फाइव टू थर्टी वन यानी बन गया इसका रिड्यूस फॉर्म थर्ड एग्जांपल देखते हैं फाइव लीटर यहाँ पे ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिली और इसका जो यूनिट है लीटर है और इसका यूनिट है मिली लीटर तो जो फर्स्ट यूनिट है लीटर इसको भी हम मिली लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं देखो कैसे करेंगे फाइव लीटर इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय वन थाउजेंड इक्वल टू फाइव थाउजेंड अभी जो फर्स्ट क्वांटिटी थी उसका भी यूनिट मिलीलीटर मिल गया और सेकंड का ऑलरेडी मिलीलीटर है तो अभी रेशो निकालेंगे यानी फाइव थाउजेंड अपॉन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड दोनों का यूनिट जो है सेम है मिलीलीटर मिलीलीटर इसलिए वो कैंसल हो गया इसको ही कैसे राइट डाउन करेंगे यहाँ पे टू जीरो कैंसिल टू जीरो कैंसिल उसके बाद ट्वेंटी फिफ्टी अपॉन ट्वेंटी फाइव बचा इसको कैसे राइट डाउन करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव अपॉन वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव की टर्म जो सेम है वो कैंसल हो गई क्या बचा टू अपॉन वन और इसको ही राइट डाउन कर सकते हैं टू टू वन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं थ्री इयर्स फोर मंथ कॉमा फाइव इयर्स एट मंथ यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी है थ्री इयर्स फोर मंथ और सेकंड क्वांटिटी है फाइव इयर्स एट मंथ अभी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे इयर्स और मंथ में दिया है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मंथ्स में तो थ्री इयर्स के कितने मंथ हो गए वो पहले फाइंड आउट करेंगे थ्री इयर्स इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व इक्वल टू थर्टी सिक्स मंथ प्लस थ्री इयर्स के मंथ हो गए थर्टी सिक्स मंथ और फोर मंथ दिया था इसलिए वो ऐड करेंगे प्लस फोर मंथ इक्वल टू टोटल बन गए मंथ फर्स्ट क्वांटिटी बन गई फोर्टी मंथ की अभी सेकंड क्वांटिटी क्या दिया है फाइव इयर्स एट मंथ इसलिए पहले फाइव इयर्स की जो क्वांटिटी है इसको हम मंथ में करेंगे फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व ट्वेल्व फाइजा बन गए प्लस यहाँ पे एट मंथ था इसलिए प्लस एट मंथ दोनों के एडिशन कर लेते हैं सिक्सटी एट मंथ दोनों के एडिशन करके सिक्सटी एट यानी फर्स्ट क्वांटिटी मिल गई फोर्टी मंथ और सेकंड क्वांटिटी मिल गई सिक्सटी एट मंथ अभी इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे फोर्टी अपॉन सिक्सटी एट दोनों का जो यूनिट है वो सेम है यहां पे भी मंथ है और यहाँ पे भी मंथ है तो सेम यूनिट है इसलिए वो कैंसल हो गया अभी क्या बचा फोर्टी अपॉन सिक्सटी एट तो इसको ही हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई बाय टेन हो गया और सिक्सटी एट को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन फोर फोर की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई अभी क्या बचा टेन अपॉन सेवनटीन और इसको ही हम राइट डाउन कर सकते हैं 10 टू सेवनटीन ये बन गया रिड्यूस फॉर्म नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं थ्री पॉइंट एट के जी कॉमा वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ग्राम यहाँ पे ग्राम है यहाँ पे किलोग्राम है इसलिए जो ग्राम किलोग्राम की जो क्वांटिटी है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको ही राइट डाउन करेंगे हम थ्री के के कितने ग्राम हो रहे थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थाउजेंड इक्वल टू थ्री थाउजेंड ग्राम प्लस एट था इसलिए यहाँ पे एट हंड्रेड ग्राम दोनों के एडिशन की तो क्या बन गया थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ग्राम बन गया और यहाँ पे 1900 ग्राम सेकंड क्वांटिटी थी फर्स्ट क्वांटिटी क्या राइट डाउन करेंगे 3800 एट जीरो जीरो अपऑन सेकंड क्वांटिटी वन नाइन जीरो जीरो दोनों जीरो कैंसिल हो गए 38 एट अपॉन नाइनटीन अभी दोनों जो नंबर है वो 19 के टेबल में आ रहे तो कैसे राइट डाउन करेंगे नाइनटीन इंटू टू अपॉन नाइनटीन इंटू वन नाइनटीन नाइनटीन कैंसिल हो गए टू अपॉन वन और इसको ही राइट डाउन कर सकते रेशियो टू टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवन मिनट ट्वेंटी सेकंड कॉमा फाइव मिनट सिक्स सेकंड यहाँ पे मिनट्स और सेकंड दिया है इसलिए इसका कन्वर्जन सेकंड्स में कर लेते हैं दोनों का पहले जो सेवन मिनट है इसका सेकंड क्या होगा वो निकालेंगे सेवन इंटू वन मिनिट यानी सिक्सटी सेकंड इसलिए सेवन मिनट के सेकंड निकालने हैं इसलिए सेवन मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी यहाँ पे प्लस ट्वेंटी सेकंड दिया है इसलिए प्लस ट्वेंटी सेकंड दोनों के एडिशन की तो फोर हंड्रेड एंड फोर्टी नेक्स्ट फाइव मिनट सेकंड फाइव मिनट के पहले सेकंड निकालते हैं फाइव मिनट इक्वल टू वन मिनट का सिक्सटी सेकंड होता है इसलिए फाइव मिनट का फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी इक्वल टू थ्री हंड्रेड सेकेंड प्लस यहाँ पे फाइव मिनट के साथ सिक्स सेकंड दिया था इसलिए प्लस सिक्स सेकंड्स दोनों के एडिशन की तो आंसर बन गया थ्री हंड्रेड एंड सिक्स सेकंड्स। फर्स्ट क्वांटिटी मिल गई फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सेकंड और सेकंड क्वांटिटी मिल गई थ्री हंड्रेड एंड सिक्स सेकंड अभी इसका रेशियो निकालते हैं फोर हंड्रेड एंड फोर्टी अपॉन थ्री हंड्रेड एंड सिक्स सेकंड अभी दोनों का दोनों जो नंबर है इसका हमें रिड्यूस फॉर्म निकालना है इसलिए राइट डाउन करते हैं टू मल्टीप्लाई बाय टू ट्वेंटी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री टू टू की जो टर्म है वो कैंसल हो गई तो क्या बचा टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी अपॉन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री और ये जो बन गया रिड्यूस फॉर्म बन गया इसलिए इसको राइट डाउन करेंगे टू ट्वेंटी टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू देखा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो